मेरे ख्याल से भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स जो है ना बॉलीवुड के, पंकज त्रिपाठी से पार्टी सर वो है ठीक है यार। और मेरे को तो लगता है असली के लॉयर है यार, वही ना असली के लॉयर है। इस तरह से माधव मिश्रा का किरदार निभाते हैं वो सीजन वन और सीजन टू। हाँ और मतलब उन्हें तो एक चीज को नोटिस कर लेना ऐसा नहीं पाओगे कि कब उन्होंने आपको कहाँ नोटिस कर लिया और कब वो आपको पकड़ने वाले हैं, ना इस हिसाब से कैरेक्टर है उन दोनों का। भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर और मेरे ख्याल से लॉयर पंकज त्रिपाठी की फाइनली क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 आ गया है, डिज्नी पे हॉटस्टार रिलीज हो चुका है ठीक है। हम बैठे हैं उस सीरीज का रिव्यू करने और बताएंगे कुछ अच्छे पॉइंट और अच्छे पॉइंट जो कि आपको देखने बनते हैं। मतलब आपको सीरीज तो मस्ट वॉच है। कुछ पूछा मैंने। वेब सीरीज को तो जरूर देखना और हम बताएंगे कि जरूर देखना। अरे कहना क्या चाहते हो? हम कहना चाहते हैं बस तुम देख लो। ये जो बॉयकॉट का ट्रेंड हो रहा है ना, इसको हटा के थोड़ा सा टाइम यहाँ दो और पता करो कि यहाँ एक्चुअल में चीजें कैसे। और भाई ओटीटी ना जनरली अच्छा कंटेंट आता है, ठीक है, काफी मैच्योर कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है। तो और प्रोड्यूस कौन कर रहा था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अप्लॉस बहुत अच्छी अच्छी भी करी उन्होंने, भोकाल करी है, ऑस्टेजिस करी है, स्कैम 99 हाँ 1992 जैसी करी है। तो सबसे पहले स्टारकास्ट डिस्कस कर लेते हैं सीरीज की। स्टारकास्ट में पंकज त्रिपाठी माधव मिश्रा का रोल कर रहे हैं। माधव मिश्रा के रोल में नजर आएंगे आपको, ठीक है। और है मीठा वशिष्ठ है, अनुप्रिया गोयनका। अनुप्रिया गोयनका भी यार पहले के दो सीजन में भी बहुत अच्छा उनका कैरेक्टर था। ये स्टारकास्ट आपको ओवरऑल नजर आएंगे सीरीज। हाँ और भी है कुछ किरदार, ठीक है, लेकिन जो मेन जो पूरा जो वेब सीरीज के अराउंड घूमेगी ना, वो यही 3-4 स्टार है। और स्टोरी के बारे में बात कर लेता हूँ, स्टोरी के बारे में ज्यादा स्पॉइल नहीं करेंगे लेकिन एक्साइटमेंट बिल्कुल बना देंगे। तो भाई एक केस है भाई, ठीक है, जिसमें ज़ारा आहूजा का हो गया मर्डर और जो प्राइम सस्पेक्ट है ना उसी का भाई है, उसी का भाई है, ठीक है। अब जो उसकी मदर है वो जाती है माधव मिश्रा के पास, ठीक है, कि मेरे बच्चे को बचाओ। लेकिन किस तरीके से वो बच्चा और माधव मिश्रा जो है उस केस को लड़ते नजर आएंगे। तो भाई ठीक है, मतलब पूरा का पूरा नेशन खिलाफ है, ठीक है, पुलिस के जो वो क्या कहते हैं सुराग है वो अगेंस्ट है बिल्कुल। हाँ मतलब ऐसा लगेगा कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि हाँ लड़की नहीं। हाँ मतलब है जिस तरह से प्रेजेंट करा गया, सारे सुराग जो भी हैं वो सारे लड़के के खिलाफ ही है कि भाई है मर्डर, ठीक है, लेकिन किस तरीके से माधव मिश्रा सच हमने प्रेजेंट करेंगे ना भाई, वो इस सीरीज के सीजन का सबसे मेन फोकस यही है। कंसेप्ट मानो, प्लॉट मानो, क्या क्या टेक्निक्स यूज करेंगे और किस तरीके से वो लड़ते नजर आएंगे आपको कि हाँ यार मतलब ऐसा भी हो सकता। यार लैंग्वेज यार कितनी 3-4 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, मतलब हिंदी भी है, तमिल भी है और तेलुगु भी है, मलयालम है, कन्नड़ है, पांच लैंग्वेज में रिलीज हो रही है सबसे बढ़िया। तो यही चीज है और हमें 5 लैंग्वेज में देखने को मिलने वाली बहुत सीरीज है जो इस हफ्ते रिलीज हुई है ओटीटी पर। और यार ये बता रेटिंग्स क्या दूं? रेटिंग्स यार मैं काटना ही नहीं चाहता, मैं साढ़े तीन दूंगा, ठीक है, क्योंकि माधव मिश्रा की एक्टिंग एज यूजुअल बहुत अच्छी थी, ठीक है, और तेरा स्टोरी भी अच्छी थी, स्टोरी अच्छी थी, और मुझे पर्सनली क्राइम थ्रिलर बेस्ड स्टोरीज पसंद है तो मेरे लिए तो बहुत एक तरीके से सस्पेंस क्राइम मिस्ट्री के अराउंड पूरी स्टोरी होने वाली है। और मेरे हिसाब से भी 3-3.5 स्टार इनफ होंगे। मतलब मेन जो एसेंस को प्रेजेंट करना चाहते थे ना कि सच ऐसे प्रेजेंट हो सकता है, वो दिखाना है मेरे ख्याल से पूरी तरह सक्सेसफुल। हाँ मतलब एक तरीके से ठीक है मेरे हिसाब से तो यही है। आपकी क्या रेटिंग्स है, पर्सनल ओपिनियन क्या, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ देखना तो बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल मज़ा तो तभी आता है जब कोई बंदा वैसा है। ये जो ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट में, उसको हटा होगा कि कुछ अलग ही कंटेंट लेकर आया माधव मिश्रा और मतलब पंकज त्रिपाठी। हाँ तो वो जाके देखना है। और ये था हमारा छोटा सा रिव्यू सीजन 3 को लेकर। आपका क्या पर्सनल रिव्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इन फ्यूचर आप भी कुछ अच्छे रिव्यूज और हमारी इस बकचोदी को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकन को जरूर दबाने का, जहाँ पर आपको इन फ्यूचर जो हम रिव्यूज बनाएंगे उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।